हाय गाइस, वेलकम बैक टू 24 FPS स्टूडियोस। और मैं हूं आपका फोटोशॉप मेंटर वेदांश। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे एक नॉर्मल स्टैटिक फोटोग्राफ से हम उसको मोशन ब्लर लगा के एक पैनिंग शॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम असली फोटोग्राफिक शॉट लेंगे और उसे पैनिंग में करना चाहते हैं तो हमें अपना शटर स्पीड बहुत कम करना पड़ता है और वो मोस्टली सक्सेस भी नहीं कर पाती है फोटो। तो इसलिए नॉर्मल मैंने यहाँ पे अपना सिलेक्शन ले लिया है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना नहीं आता है तो उसका लिंक अभी आपके पास आई बटन में आ चुका होगा। तो चलिए, सिलेक्शन अप्लाई करने के बाद हमें जाना है सिलेक्ट, देन मॉडिफाई, देन कॉन्ट्रैक्ट बाय 2 पिक्सल्स। और फिर कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमें इसमें अप्लाई करना है शिफ्ट F6 विच इज फेदर, और उसमें डाल देना 3 पिक्सल्स की कमांड। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना ना चाहें तो सीधे भी आप डायरेक्टली इसमें फैदर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे वैसे 1 पिक्सल का डाल देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के स्टेप में, जो है इसकी लेयर की कॉपी। तो हम सिंपली कंट्रोल जे प्रेस करते हैं लेयर कॉपी के लिए, देन कंट्रोल सी फॉर लेयर कॉपी, और हम इसे फिर अपने लैंडस्केप में पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारे लैंडस्केप में आ चुका है, और अब हम इसको करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्म, विच इज कंट्रोल टी, और साइज का छोटा रखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और फिर हम बढ़ते हैं अपनी लेयर 0 की ओर, जो है बैकग्राउंड लेयर। और फिर इसके बाद हमें अप्लाई करना है फिल्टर, ब्लर और मोशन ब्लर। देखिए, मोशन ब्लर में हमें सबसे पहले एंगल सेट करना है। मुझे ये एंगल सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि ये जो बर्ड की पोजीशन है वो भी उसी अकॉर्डिंग चल रही है। तो इसको हल्का सा और टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा और नीचे, अराउंड 3। 3 इज परफेक्ट। अब सिंपली हमें इसमें ओके क्लिक करना है। और अगर आप इन वैल्यूज को बाद में भी चेंज करना चाहते हैं तो मोशन फिल्टर लगाने से पहले आप फिल्टर और कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे बैकग्राउंड तो काफी अच्छा आ गया है, पर जो हमारा ब्लर फिल्टर है उसमें जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल लग रहा है। तो हमें इसमें हल्का सा मोशन ब्लर अप्लाई करना है। तो हम लेयर 1 पे क्लिक करते हैं, और फिर आगे जाते हैं हम अपने फिल्टर, ब्लर गैलरी, देन कोई भी आप से ब्लर चूज कर लीजिए। फिर से हम बाद में भी हमसे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से फील्ड ब्लर, पाथ ब्लर यहाँ पे सही रहेगा। तो हमें यहाँ पे प्रीव्यू को ओके कर देना है। और हमें चाहिए कि इसके जो ऑब्जेक्ट के विंग्स हैं वो मोशन में है, तो मोशन हमेशा ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ से एक ये आर्क और ये हल्की सी कर्व्स में। अब इससे पहले मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, और यहाँ पे लेयर की कॉपी करके उसमें ऑलरेडी एक मास्क ऑप्शन लगा देता हूँ ताकि जो मेरी नेचुरल फाइल है वो खराब ना हो। और हमें इसे लेयर 1 पे क्लिक करके फिल्टर, ब्लर गैलरी, पाथ ब्लर, डिफॉल्ट ब्लर, ब्लर रेडियस, ये परफेक्ट है थोड़ा, और इसको हल्का सा नीचे की तरफ मूवमेंट में। और अब यहां से हम अपनी स्पीड भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें स्पीड सेट करता हूं अराउंड 10 की। और जो ये इसका ऑप्शन है इसको और थोड़ा एनलार्ज, और एक यहां से, और एक सेम यही हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना है जो इस विंग के लिए होगा। ये देखिए, स्पीड थोड़ी कम है तो स्पीड को मैं एंटर कर देता हूँ वैल्यू 15। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो हमारा जो बर्ड पूरा है ये भी ब्लर हो चुका है। हमें अपने पूरे बर्ड को ब्लर नहीं करना है, तो हम इसमें मास्क पे क्लिक करके कंट्रोल आई फॉर इन्वर्टिंग मास्क एक नॉर्मल ब्रश टूल ले लेते हैं,
अराउंड 20 हार्डनेस का, और ऑब्जेक्ट पे जूम करके इसके फैदर पे वाइट कलर का पेंट कर देते हैं। केवल फैदर्स 20 हार्डनेस काफी ज्यादा है, तो मैं इसको 0 लाइट कर लेता हूँ। ये देखिए हल्का सा, बस हमें यहाँ पे स्लोली ग्रेजुअली पेंट करना है, ताकि ऐसा लगे कि इसके जो विंग्स हैं ये भी मोशन में हैं। और अगर आपको मास्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो हम इस पे कंप्लीट डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिससे आपको मास्क के बारे में काफी ज्यादा आइडिया लग सकता है। और ये देखिए कंट्रोल टी के साथ मुझे अब इस लेयर को मर्ज कर देना है, विच इज कंट्रोल ई और फिर देन कंट्रोल टी और होल ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा कंट्रास्ट, स्काई कंट्रास्ट से फिट कर देते हैं, और ये हमारी पिक्चर रेडी है। इसी तरह हम किसी भी चीज को मूविंग में ला सकते हैं, भले ही वो फॉर्मूला वन कार हो, कोई बाइसिकल हो, या फिर कोई भी चीज हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपका कोई भी कमेंट या फिर सजेशन है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और हम आगे ही ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, बाय।